प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के चलते एक महिला होने के नाते और महिला की तकलीफ को समझते हुए यूपी के महिला आयोग सदस्य प्रियंवदा ने अपने पद से इस्तीफा दे। यूपी की महिला आयोग सदस्य प्रियंवदा सिंह तोमर ने प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को देखकर प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए और किसान के प्रति सरकार का रवैया देखते हुए यूपी महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंवदा तोमर ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल प्रियंका ने फेसबुक पर पोस्ट कर कहा कि सरकार की किसानों के प्रति घोर उपेक्षा व संवेदनहीनता के चलते मैं बेहद आहत हूं। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व अन्य सभी पदों से त्यागपत्र दे रही हूं। बता दें कि यूपी की महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंवदा तोमर ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए प्रदेश सरकार पर प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाने व महिलाओं को न्याय न मिलने का आरोप लगाया है। वहीं प्रियंवदा सिंह तोमर कहती हैं कि मैं किसान परिवार से आती हूं। पिछले 131 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और 300 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। देश के अन्नदाता के प्रति भारतीय जनता पार्टी व सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा में मैं बहुत आहत हूं। आज भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। मैं स्वयं आयोग की सदस्य रहते हुए भी महिलाओं को न्याय दिलाने में असमर्थ हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में योग्य महिलाओं की उपेक्षा से भी घोर निराशाजनक स्थिति है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे दिए गए दायित्व राज्य महिला आयोग के सदस्य पद से भी त्यागपत्र देती हूँ। वहीं प्रियंका सिंह तोमर के इस फैसले ने सरकार पे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतने बड़े पद की महिला जब महिला सुरक्षा को लेकर अपने पद का त्याग कर दे तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ निधि सिंह, यूपी न्यूज़, लखनऊ।